पूजा पूजा जी, मैं तुम्हारे पिता की तरह बुद्धि नहीं रखती, इसलिए साफ साफ पूछने आई। क्या पूछने आई है? अब तुम्हें कौन पसंद आ गया? माँ एक बात बताओ, क्या प्रेम का कोई रंग होता है? नहीं। और धर्म का? हाँ। कौन सा? हमारे यहाँ गेरुआ और मुसलों का सब्स। पर ये रंग भगवान ने तो नहीं दिया। तो सीधी तरह कहना क्या चाहती है? वही जो मेरे दिल में है। दिल में क्या है तुम्हारे? वही जो आपको पसंद नहीं आएगा। मैं समझ गई, अब मेरी बुद्धि इतनी भी कम नहीं है, समझ गई हूँ मैं। पूजा के पिता मैंने सब जान लिया, मैंने कर लिया समस्या हल। क्या जान लिया है? आपकी सुपुत्री के दिल में मुसला बैठ गया है। पूजा, पूजा, क्या ये सच है? मैं वो पूजा पूजा मुझे मजहब से कोई सरोकार नहीं है, मुझे इंसान से सरोकार है, मुझे नेचर से सरोकार है। और मैं जानता हूं पूजा, मुसलमान तुझे कभी खुश नहीं रख सकेगा। अगर तेरे दिल में ये सोच आई है बेटा, तो ये सोच निकाल दे, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। ये तुम्हारी जिंदगी में आने वाला आखिरी मर्द नहीं होगा, इसलिए दुखी मत होना। भगवान की कृपा से जिंदगी भी पड़ी है और मर्द भी खत्म नहीं हुए। इसे हासिल करके शायद तुम आने वाली असल खुशी खो दो, उस लम्हे का इंतजार करो। और अब उससे मिलने की भी कोई जरूरत नहीं। भाड़ में जाए हिंदी और भाड़ में गई उर्दू। पूजा, मेल मिलाप पे कोई हर्ज नहीं है, जिससे चाहो मिलो, लेकिन मेल मिलाप को जिंदगी का बंधन ना बनाओ, ना बनाओ बंधन। शुक्र है ज़ोया, तुम्हें होश आ गया। मुझे क्या हुआ था? तुम्हें जहर दे दिया था किसी ने। मैं बच गई। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम जन्नत में मिल रहे हैं? तुम्हें पता है रोहन, मैं क्यों बची? क्यों? तुम्हारे लिए। मुझे नई जिंदगी मिली तो मैंने सबसे पहले तुम्हें देखा रोहन। ज़ोया, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। रोहन, मेरे पास बैठ जाओ प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास बैठे रहो प्लीज। असल कोड तो ये है *226#। जी हाँ, अब अपने यू फोन से *226# डायल करें और प्यारों से बातों के लिए खोलें सारी दुनिया के दरवाजे, जैसे सऊदी अरब, यूएई और ईरान बात करें किसी भी वक्त सिर्फ ₹2.99 में। जिंदगी इतनी कीमती हो गई है, किसका एक पल भी मैं तुम्हारे बगैर गुजारना नहीं चाहती रोहन।
क्या हो गया तुम्हें? I love you, Rohan. Please, मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाना, कभी नहीं. सोया, तुम होश में तो हो? तुम्हें इतनी मुश्किल से नई जिंदगी मिली. तुम इनकार करो तो मैं अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लूंगी. मुझे जिंदगी नहीं, तुम मिले हो रोहान, तुम मिले हो. मैं बेहोश होकर भी तुम्हारे साथ थी, अगर होश आकर भी तुम्हें पाने के लिए देर की तो पता नहीं अगले लम्हे क्या हो जाए. I really love you, please, मुझे वादा दो तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे हो. बोलो बोलो बोलो, हमेशा तुम मेरे साथ रहोगे ना? बोलो प्लीज, वादा दो मुझे. हाँ, मैं वादा करता हूँ. बस अब मैं थक गई हूँ. मेरा भी यही हाल है, लेकिन आपको ये सब कुछ बताना बहुत जरूरी था. अब आपके पास कल की मीटिंग के लिए तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं. थैंक यू पर, तुम दोस्ती का सही हक अदा करो. बैठो. अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने भाई? एक तो तुम ऑफिस की जिम्मेदारियां इतने अच्छे तरीके से निभा रहे हो, और तुमने मेरी जिम्मेदारियां भी बांट कर अपने सर पे अच्छा खासा बोझ सवार कर लिया. कमाल है, एक तो आप मुझे अपना दोस्त कहती हैं, और दूसरी तरफ आप दोस्ती को बोझ का नाम भी देती हैं. आपको शायद दोस्ती का सही मतलब पता ही नहीं. मुझे आज तक ऐसे दोस्त मिले हैं जिन्हें मुझसे कोई ना कोई गर्ज रही है. पहली बार एक ऐसा दोस्त मिला है जिसे मुझसे कोई गर्ज नहीं है. दोस्ती तो होती ही बेरोस है. कभी किताबों में पढ़ा था, एक्सपीरियंस सब कर रही हूँ. तो फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत खूबसूरत, लेकिन कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ. वैसे ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं. कहते हैं कि जो लोग ख्वाब देखते हैं वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं. You're right. अगर लगन सच्ची हो तो कोई भी रुकावट रास्ते की दीवार नहीं बनती. आपको अपने ख्वाबों पर यकीन नहीं? पहले नहीं था, लेकिन अब हो गया. शुक्र है उसने तुझे जिंदगी दी बेटा. मम्मी मैं ये जान गई हूँ कि अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी क्यों दी है. क्यों? आकर बताऊंगी. तू आ जा बेटा, मुझे भी तुझे कुछ बताना है. क्या?
आओगी तो बताऊंगी, शायद उसके बारे में जो तुम्हें जिंदा नहीं रखना चाहता। कौन है वो? कोई अपना है। मम्मी, यहाँ पर लोगों का ख्याल है कि कोई क्यों का ही आदमी है। कुछ पता चला? पता चल जाएगा, आप परेशान मत हो, इस वक्त इसी की छानबीन हो रही है। ग्रेट हो पर लेट हो, यूं ना किया।